हेलो एवरीवन, आज सीखेंगे हम लोग टेली ईआरपी के 9 के अंदर की आइटम्स, ग्रुप्स एंड यूनिट मेजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है। इससे पहले हम लोग वीडियो में देखे थे कि कंपनी क्रिएट करना सीखे थे और हम लोग लेजर क्रिएट करना सीखे थे। आज हम देखते हैं ग्रुप आइटम, ग्रुप क्रिएट करना सीखते हैं। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टेली के अंदर इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ऑफ मेजर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर को देखते हैं, क्योंकि कोई भी आइटम जो है वो एक यूनिट में रहेगा। मींस कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है जो कि पीस में रहेगा या फिर केजी में रहेगा या फिर वो लिक्विड है तो लीटर में रहेगा। क्योंकि हमारा जो कंपनी है वो कंप्यूटर होलसेलर है, तो इस कंपनी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अपने जो प्रोडक्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सेल करना है। इसलिए पहले हम लोग यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। ये हम लिख लेते हैं पीस, इसका फॉर्मल नेम, ये पहला हमारा यूनिट बन गया। दूसरा हम लिख लेते हैं केजी, किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा दो यूनिट बन गया। चेक कर सकते हैं इसको डिस्प्ले में जा करके। ये देखिए यहाँ पर दो दिखाई दे रहा है, केजी और पीस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि जो भी हमारा स्टॉक आइटम रहेगा वो पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर है। जैसे हमारा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड पर्टिकुलर कोई कंपनी नाम नहीं है, कीबोर्ड एक क्या हुआ, ग्रुप हुआ। ग्रुप के अंदर हम लोग पर्टिकुलर किसी कंपनी का कीबोर्ड रख सकते हैं, जैसे आपका लेनोवो कीबोर्ड हो गया, इंटेल कीबोर्ड हो गया, सैमसंग कीबोर्ड हो गया, अन्य बहुत सारे कंपनीज की कीबोर्ड आता है, उसको हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। देन सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, तो फिलहाल हम लोग सिंगल स्टॉक ग्रुप के अंदर इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट, तो यहाँ पर हम लोग कीबोर्ड लिख देते हैं, कीबोर्ड सॉरी, ये हो गया हमारा। दूसरा हम लिखते हैं माउस, तीसरा हम लोग ले लेते हैं मॉनिटर, तो कुछ चेंज करना है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हो गया स्टूडेंट, तीन हम लोग स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। इसको हम अगर देखना है तो हम चले जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाकर देखते हैं कि कितना स्टॉक ग्रुप क्रिएट हुआ है। तो एक बन गया हमारा कीबोर्ड, दूसरा मॉनिटर, तीसरा माउस। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है, बदलाव करना है, तो हम इसमें चले जाएंगे अल्टर में। अल्टर में जाकर के हम इसमें इसको सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी चेंज करना है तो क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम लोग उसको स्टॉक ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं स्टॉक आइटम। वहाँ पर हम लोग स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। देन इसको हम लोग जब ट्रांजेक्शन करते हैं उस टाइम भी हम लोग डायरेक्टली इसको स्टॉक को भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक को पहले से हम लोग इसको क्रिएट करना पड़ेगा। पहला हमारा क्या था, कीबोर्ड था। कीबोर्ड में हम लोग लिख लेते हैं का लेनोवो कंपनी का क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रुप दिखाई दे रहा है, वो किस ग्रुप का है, तो कीबोर्ड ग्रुप का है। वो किस में रहता है, केजी में या पीस में, तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है पीस में। अब यहाँ पर हम लोग इसको कुछ बदलाव ना करते हुए आगे इंटर करते जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस क्वान्टिटीज़। तो हमारे इस कंप्यूटर होलसेलर जो कंपनी है उसमें हम कीबोर्ड को कितने क्वान्टिटी में रखना चाहते हैं वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग
क्वांटिटी दे देंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं 10, क्योंकि वो कीबोर्ड कितने प्राइस का है तो उसको हम लोग नॉर्मली लिख लेते हैं 300 रुपये का पर कीबोर्ड। इस तरीके से वो टोटल 3000 रुपये हुआ। इसको हम लोग ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दूसरा जो हमारा स्टॉक ग्रुप था उसके लिए हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं इस बार इंटेल कंपनी का, क्या लिखते हैं, माउस। यहाँ पर दिखाई दे रहा है माउस, यूनिट में डाल देंगे, ये पीस में आता है इसलिए इसको पीस डाल देंगे। यहाँ पर क्वांटिटी पूछ रही है तो क्वांटिटी डाल देते हैं, इसको भी हम लोग 10 क्वांटिटीज। प्राइस है इसका 200 रुपये पर की माउस। इसका टोटल वैल्यूज हो गया 2000। दूसरा हम लोग और माउस इसमें रख सकते हैं अगर दूसरे कंपनी का है तो। एक तो हो गया लेनोवो कंपनी का भी माउस आता है ना, तो इसको हम लोग रख लेते हैं इसमें स्टॉक में। ये क्या है, माउस पीस में रहेगा इसलिए इसको भी हम लोग करते जाते हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी है, 5 क्वांटिटी। इसका प्राइस कितनी है, तो ये जो है अच्छा कंपनी बहुत बढ़िया है लेकिन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसलिए इसको हम लोग 250। क्या हो गया, ये हो गया एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर मोनिटर नाम का एक ग्रुप बनाया थे स्टॉक ग्रुप, तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं लेनोवो कंपनी का मोनिटर, लेनोवो 15 इंच लिख देते हैं मोनिटर। ये हो गया, ये आ जाएगा आपका मोनिटर के अंदर। ये किस में रहेगा, पीस में रहेगा। इसके बाद इसको हम लोग क्या क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारे पास रखना है इसको 5 पीस रख लेते हैं। 15 इंच मोनिटर लेनोवो कंपनी का है जो कि इसका प्राइस है 5200 रुपये। इस तरीके से 5 की मोनिटर प्राइस हो गया 26000 रुपये। ये हो गया, तो स्टूडेंट ये तो हमारा बन गया स्टॉक आइटम। अगर इसको हमको देखना है, ये यहाँ पर स्टॉक आइटम में जाकर डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारे स्टॉक में किस किस कंपनी का कौन कौन सा आइटम्स स्टोर है। तो इंटेल माउस है, लेनोवो 15 इंच मॉनिटर है, लेनोवो कंपनी का कीबोर्ड है, लेनोवो कंपनी का माउस है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में है, कितना प्राइस का है सब चीज़। तो स्टूडेंट आपने सीखा कंपनी के अंदर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स और यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। आगे हम ट्रांजेक्शन करेंगे जो कि उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कि हमारे स्टॉक में स्टॉक समरी में क्या कैसा हो रहा है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ डेली के अंदर रिपोर्ट में जो कि दिखाई दे रहा है स्टॉक समरी, इस पर हम लोग जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखाई देगा हमारे स्टॉक में कौन कौन सा आइटम्स है और कितना प्राइस का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड है जो कि 3000 का है टोटल, हमारी स्टॉक की बात है। उसके बाद मॉनिटर है जो कि 26000 का है टोटल, जितने भी क्वांटिटी में हैं उसको अगर क्लिक करेंगे तो 150 होगा। माउस है जो कि ये 3250 रुपये का टोटल हमारे पास अमाउंट है। हमारा जो ओपनिंग बैलेंस हुआ ये 32250 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग अगला जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं समझाऊँगा। थैंक यू।